नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पता लगा है कि पाकिस्तान ने भारत से आई मिसाइल का लोहा 40 रुपए किलो के हिसाब से कबाड़ी वाले को बेच दिया है और इससे जो पैसे मिले उससे इमरान खान के घर का बिजली का बिल भर दिया और बचे हुए पैसों से अपनी स्कूटर की ट्यूब चेंज करवा ली। लग तो रहा गैस है लेकिन हो सकता है गैस लीक कर गई हो, तो हमें पता नहीं कि लीक किया या वहां। इस बारे में अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता रिंकू जिया का। बताइए रिंकू, ये क्या रहता है, थोड़ा केजरीवाल डालिए। टिंकू, आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते इमरान खान अपने घर का बिजली का बिल भरने के लिए सभी मंत्रियों से 10-10 रुपए इकट्ठा कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना के एक जवान ने आकर बताया कि साहब, इंडिया से बहुत बड़ी मिसाइल हमारे यहां आकर गिरी है और उसमें बहुत सारा लोहा है। टिंकू, खबर है कि ये सुनते ही नाराज होने के बजाय इमरान खान मेज पर खड़े होकर नाचने लगे। रिंकू, तो इमरान खान अचानक भारत से मिसाइल आने पर घबराए नहीं? टिंकू, वो घबराए तो थे मगर इस बात पे कि कहीं भारत अपनी मिसाइल वापस ना मांग ले। खबर तो ये है कि मिसाइल का कबाड़ बेचकर वहां इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि उसे बांटने को लेकर मंत्रियों में हाथापाई की नौबत आ गई और बीच बचाव करने के चक्कर में इमरान खान की थोड़ी सलवार भी फट गई। मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूं, 30 साल से सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में। खबर है कि जब भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अगर तुम मिसाइल नहीं लौटा सकते तो कम से कम 50 रुपए किलो के हिसाब से 2000 किलो की मिसाइल के 1,00,000 रुपए ही दे दो, तो ये सुनते ही इमरान खान रोने लगे। भारत सरकार ने पैसे देने के लिए ज्यादा दबाव डाला तो पाकिस्तान ने कहा कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, इंडिया चाहे तो इन पैसों के बदले फवाद चौधरी को अपने साथ ले जाए। खबर है कि ये सुनते ही बातचीत करने गए भारतीय अधिकारी ने वहीं पर धमाका करके खुद को बम से उड़ा लिया। गार्लिक को कहते हैं लेस लेस नहीं अदरक गार्लिक इज अदरक सॉरी गार्लिक अदरक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूक्रेन छोड़कर जा रहे लोगों को पाकिस्तान में शरण देने की पेशकश की है। इमरान ने कहा कि जो लोग बम धमाकों के डर से यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में शरण ले सकते हैं। खबर है कि पाकिस्तान की इस पेशकश के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने अपनी तोपों का मुंह मॉस्को से हटाकर रावलपिंडी की तरफ कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुस्से में 2 गोले पाकिस्तान की तरफ दाग भी दिए। पता चला है कि बाद में इन्हीं दोनों गोलों के कबाड़ को बेचकर इमरान खान ने अपने स्कूटर में 2 लीटर तेल डलवा लिया। उसने 5 धमाके किए, हमने 6 कर दिए। विधानसभा चुनाव के हार के 1 हफ्ते बाद अपने तमाम नेताओं के साथ लंबी चौड़ी सलाह मशवरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि कांग्रेस के हार के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। इस बारे में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह भुर्जीवाला का कहना है कि विधानसभा चुनाव में लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डालने वाले थे लेकिन पुतिन ने अचानक युद्ध छेड़कर भारत में भी राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दे दिया और यूपी चुनाव में कांग्रेस के 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस ने पुतिन को धमकी दी है कि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो फौरन रूस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को रूस कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर वहां भेज देगी। खबर है कि कांग्रेस की धमकी के बाद पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर इंडिया गेट पर बर्फ के काले खट्टे गोले की रेडी लगा ली। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।